हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हो डेलिहाइट रमन। तो अब जो मेरा रूम है वो एकदम चेंज हो चुका है। हम जोशल से शिफ्ट हो गए हैं कोरला में, और कोरला में ये है हमारा होटल पर्ल व्यू। तो हम यहाँ पे शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि जो जोशल था वो मरोल में था, और वो अब वहाँ पे बस अंधेरी लोखंड वाला एंड आजू बाजू का एरिया घूम सकते थे आप। तो वहाँ से हम मेन बॉम्बे नहीं घूम सकते थे जो कि साउथ मुंबई है, घूम सकते थे पर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो इसलिए हमें कहीं सेंटर में रूम लेना था, तो हमने कुर्ला में रूम लिया है। अब इससे क्या होगा, हम हमारे बैंड्रा, जुहू, पाली हिल, कोलाबा सब यहाँ से नज़दीक है, काफ़ी मतलब ईजी है पहुँचना, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं, इतना कोई जाम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर रूम लिया है। अब मैं बाहर निकलने वाला हूँ, बाहर घूमने जाने वाला हूँ। बेसिकली जो आज का प्लान है वो बस यही है कि आज हमें बैंड्रा जाना है, जुहू जाना है, पाली हिल जाना है, और शायद हम हाजी अली दरगाह जा सकते हैं। तो शायद हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो हाजी अली दरगाह ही होगा। तो चलो चलते हैं। मेरे पीछे है साउथ बॉम्बे, ये साउथ मुंबई है। इस एरिया में ना ऑटो अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप बस काली और जो पीली टैक्सीज होती हैं वो ले सकते हो या फिर बस ले सकते हो, ओला ऊबर कर सकते हो, पर यहाँ पे ऑटो अलाउड नहीं है। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड ये है जो प्रॉपर एकदम मुंबई है ना, जो एकदम पुरानी जो बॉम्बे की फील है, ये वो जगह है। तो अभी हम बस खाना खाना है। क्या खा रहा है तब तक? आलू हांडी। इसे पानी पूरी तरह खाते हैं। कैसे लगे आलू हांडी? जबरदस्त। स्पाइसी जबरदस्त। अभी हम आए गुरुकृपा होटल, होटल नहीं एक्चुअली रेस्टोरेंट है, ये सीओ में हालानाई दरबार चौक, हालानाई दरबार चौक के पास। 1975 से है ये, काफ़ी पुराना, और इसकी फेमस डिशेज है समोसा छोला और रगड़ा पैटीज। सब खाएगा? हाँ, भूख बहुत लगी। ये हमारा लंच, ब्रंच और आफ्टरनून टी सब कुछ हो चुका है, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। एक बात और जो बहुत अच्छी है यहाँ की, वो है कि पूरा रेस्टोरेंट तीन एरिया में डिवाइडेड है। पहला एरिया टेक अवे का, वहाँ पे मील्स बैगों के बढ़िया आप लेकर बाहर खा सकते हो। दूसरा एरिया नॉन एसी है, एंड थर्ड प्रॉपर पार्टीशन है। उस पार्टीशन के बाद एक एसी हॉल है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, और तीनों जगहों के रेट्स में डिफरेंट है। जो 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 पैक्ड मील है वो सबसे सस्ती है, फिर जो नॉन एसी है उससे महंगा, और एसी वाले में रेट्स 10 या 12 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, बट तीनों में इतना डिफरेंस है रेट्स। तो खाना तो हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह, और ये गुरु कृपा से कितना 10 किलोमीटर दूर है, 10-11 किलोमीटर, 10-11 किलोमीटर दूर है, कोई आधा घंटा लगेगा। तो अभी तक तो सब प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, अब आगे मिलते हैं हाजी अली दरगाह। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हाजी अली दरगाह, एंड यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। आई होप यहाँ पे कैमरा अलाउड और मैं व्लॉग बना सकूँ, नहीं होगा तो मैं वही अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँगा।
जल्दी दरगाह हम हो आए हैं, तो अभी है हम वर्ली सी फेस में। तो ये यहाँ पे सारी अपार्टमेंट्स है और ये मेरे पीछे है समंदर। मोस्टली ना यहाँ पे लोग जॉगिंग करने आते हैं। और क्या यार, क्या खूबसूरत जगह है। मैं इस जगह घंटों तक बैठ सकता हूँ, लाइक लिटरली घंटों तक बैठ सकता हूँ। व्यू देखो यार, आप व्यू देखो, ये सीलिंग है बंडी बैंडर सीलिंग और ये पूरा समंदर। तो फाइनली मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जो मुंबई का सबसे बड़ा स्पॉट बन चुका है। मेरे पीछे है मन्नत, ये है शाहरुख खान का घर। क्या लोकेशन है यार घर की, यहाँ पे घर है, सामने समंदर है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आप आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमेशा 30-40 लोग तो हमेशा रहते हैं मन्नत के बाद। तो यार ये जो घर है ये सलमान खान का घर है। यहीं से सलमान खान बाहर आते हैं, ये पर्दा हट जाता है और फिर सलमान खान अपने फैंस से मिलता है। ये है गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये भी बैंड स्टैंड पे है और यहीं पे बैंड स्टैंड अब ख़त्म हो गया है। तो बस अब हम जूह जाएंगे, जूह चौपाटी। तो अभी यार हम कांटा रोड में ही हैं, हम कांटा रोड घूम रहे हैं। ये पूरा कांटा रोड है, हमारा प्लान है बस जूह जाने का। और अभी रात भी काफ़ी हो चुकी है, मतलब वही 8 बज रहे हैं। एंड आगे अब शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।